टायर निकला स्कूटर का और एक कोई मोटर सी निकली पानी ऊपर चढ़ाने की और दो तीन गत्ते वत्ते निकले तो मैंने सोचा कि मैं ना इसको जोड़ जाड़ के एक मस्त पानी से चलने वाला स्कूटर बना दूंगा <laughs> <laughs> और मैं लगा रहता था उसमें के जैसे <laughs> और पापा भी आ रहे मम्मी भी यार ये क्या कर रहा है ये मैं कहा मम्मी मैं अपनी सुपर कार बना रहा हूँ ये, ते ते, ये ये तार्द। ये तार्द, तार्द, तार्द गार्द 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 था ये था टारजन टारजन रिलीज हुई थी नहीं गार्द 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 नहीं, 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 मेरा, नहीं मेरा ना मतलब <laughs> मेरा जो ऐसा एक्सपीरियंस रहा ना वो थोड़ा सा दूसरों को भी लपेटने वाला रहा है जैसे हमारे टाइम पे जैसे 2013 14 में डीएसएलआर बहुत पॉपुलर होता था हां ये से फोटो खिंचवा के 400 500 लाइक ले लिए ये वो तो भाई मैंने फेसबुक पे पेज बनाया था और उसका मैंने ऐसे डीपी बैटल करते थे ना याद है हाँ डीपी बैटल तो क्या याद दिला दिया भाई, भाई।, भाई। नार थे उस पे भाई मतलब मेरे को लोग ऐसे कहते हैं सर मेरा डीपी बैटल करवा दो मेरा करवा दो मेरे भाई ऐसी पावर लगती थी कि फॉरेन मिनिस्ट्री मेरे बिल्कुल कदमों में है भाई <laughs> मतलब इतनी रिक्वेस्ट आ रही है मेरे को कि मैं इतना पॉपुलर लग रहा हूं और बाहर कोई जानता ही नहीं है मुझे और एक टाइम था यार ये डीपी बैटल कितना चलता था भाई बहस की यार क्या लोग इतना सीरियस होते थे ना कि सर मेक श्योर sure करना कि इसमें ना वो चीटिंग ना हो कहा हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल मेक श्योर sure करूंगा मेरे <laughs> 120 के 120 वोट काउंट होंगे तो चिंता ना करे भाई यार मेरा तो ऑर्कुट वाला चलता था ऑर्कुट पे बाबा याद है अपन जो होते थे हाँ, स्क्रैप्स।, आ, स्क्रैप्स होते थे कि भाई अरे भाई इसके इतने स्क्रैप्स हो गए उसके इतने स्क्रैप्स हो गए तो ये ये मुझे नहीं पता स्क्रैप्स क्या था अरे तो तो से पहले वाले हो ना तुम से पहले वाले हो ना भाई तुम्हें हमने भाई ऐसी, ऐसी ऐसी चीजें मिस की है ना मैं क्या बताऊं तुम्हें इट्स ओके इट्स ओके फेयर एनफ भाई ठीक है मेरे... भाई मॉक वो याद है क्या वो जो पहले फोन आते थे तो भर की तो मेमोरी होती थी कोनी हो? तो वो इंफ्रारेड लगा ले ले के इंफ्रारेड लगा। लगा, लगा लगा के डेटा एक्सचेंज होता था हां 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 32MB की मेमोरी है फोन में दो गाने आ सकते हैं

और और, और और वो क्या कहते हैं साइंस की क्लास चल रही है मैथ की क्लास चल रही है तुम पंखा देख रहे हो तुम सोच रहे हो कि अगर ये पंखा इस टीचर के ऊपर गिर जाए तो कैसा होगा नहीं ना मुझे ये करने में इंटरेस्ट है बट भाई मेरा पता जब बोला ना रिग्रेट भाई मैंने सोचा था एक्चुअली मैं कि मैं घर वालों को प्रैंक करूंगा hmm. तो मैंने मैंने प्रैंक करने के लिए आई आई हैव बीन ब्लेस्ड विद अ यंगर ब्रदर ना हां hmm. नागा भाई ये तो परफेक्ट टूल है hmm. ये तो ये तो कंटेंट है hmm. <laughs> hmm. तो मैंने मैंने सोचा कि मैं अपने घर वालों को बोलूंगा कि रेवू ना घर से भाग गया <laughs> और मैंने रेवू को कर दिया अलमारी में बंद कितना कितना छोटे था तुम रेवू वुड बी इन लाइक क्लास 1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग One, ओ, ओ, one, ओ, में था वो ओ, आ, और उसको मैंने बाहर से बंद करके मैंने उसको ताला लगा दिया बाहर से लाइक ताला लगा, लगा दिया चाबी से अलबारी पे ताला लगा दिया भाई और मैं मम्मी के पास जाके फुल चोरी कर रहा हूँ मम्मी यार रेवू नहीं मिल रहा रेवू गायब है ये भाई नो no, गिवन कि मेरा भाई साथ भी ले पा रहा नहीं मारा भाई दैट दैट हैज़ टू बी द स्टूपिडएस्ट आईडिया दैट आई हैव फिर, फिर पिटा तो होगा तुम <laughs> बहुत भाई इतनी मार खाई थी भाई बहुत बहुत पिटा था भाई क्योंकि रेवू की तो भाई वैसे ही उसको बचपन में अस्थमा था तो ये तो सोने पे सुहागा भाई तुमने तो मार ही दिया तो लोंडा मारा बिल्कुल भाई

और मैं उन शीट्स से खेल रहा था तो हर्षद होगा चार पांच साल का तो हर्षद ने वो सीजर पकड़ ली हाथ में ठीक है और उसके बाद भाई साहब ने कैच चलानी शुरू कर दी <laughs> ठीक है और उस फिर हुआ क्या कि वो मेरे मुंह के पास आके कैच चलाने लगा भाई उसने मेरे दोनों होठ जप लिए <laughs> <मेरे> दोनों होठ <laughs> <laughs> उसने मेरे दोनों होठों पे कैची चला दी और मम्मी को लगा क्या भाई लौंडे की जीप कट गई लौंडा गया हो गया खूंगा ठीक है मेरे मुंह में खून ही खून और मम्मी अब मुझे लेके भागी हॉस्पिटल क्या अरे अरे हमारा लड़का हमारे छोटे बेटे ने बड़े बेटे की जीप काट दी ये हो गया वो हो गया वो धुलाई वुलाई हुई बोला बोला आराम ज्यादा प्रॉपर्टी की मांग ही ना कर पाए बड़े जीप काट दो इसकी बट वॉट इज वर्स लूजिंग योर टंग या लूजिंग योर लिप्स भाई, <laughs> भाई। <चे>, ये तो, <laughs> तो कमेंट कमेंट में बताओ कमेंट हमारा देखो देखो इतना हरामी तो इतने हरामी तो हम सब है देख जब हमने लिप्स के बारे में सोचा तो सिर्फ एक चीज भाई नहीं कर पाएंगे ठीक है इतने तो हम हरामी है लेकिन भाई आई थिंक टंग इज अरे तुम अपनी स्टोरी पूरी करो हाँ तो फिर वही हुआ कि फिर बाद में पता चला जब टिंचर विंचर लग गया कह रहे भाई लोंडे के होट कटे हैं फिर मम्मी ने मार लगाई हर्षित की बहुत मारा नीला कर दिया मार मार धागा खोल दिया धागा <laughs> <laughs> खोल उधेड़ दिया <laughs> रहम ना खाई बिल्कुल भी एक और इंसिडेंट हुआ था पता है आ, होली का टाइम था तो होली पे तो गन्ने आते ही है घर में लंबा लंबा मैडम तो मम्मी धो रही थी बर्तन और हर्षित आया खेल के और वो गन्ना खा के और वहीं बेसिकली जो उसके वो होते हैं वेस्ट होता है तो वहीं फेंकने लगा तब मैंने बहुत बार मना किया कि बाहर जाके कर लो ये कर लो वो कर लो नहीं माना तो मम्मी के हाथ में कुकर की सीटी थी बाबा वो कुकर की सीटी मम्मी तक के मारी और और के सर में लगी ठीक है <laughs> दा सुनो आगे सुनो आगे सुनो तो हर्षित ने जब वो बेसिकली जब वो सीटी पड़ी तो हर्षित को समझ में तो नहीं आया कि उसके चोट लगी है ठीक है तो वो मम्मी उसके पीछे भागी क्योंकि मम्मी को देखा खून उसके सर से निकलता हुआ तो हर्षित को लगा मम्मी फिर मारने आ रही है वो भाग रहा है और सर से खून निकले जा रहा है फिर 2 मिनट के बाद हर्षित जमीन पे ठीक है और फिर उसके बाद पापा को कॉल किया गया फिर ये फिर पापा ने बोला कि तुम तुम बच्चों को मार दोगी एक दिन इतना गुस्सा किस बात का और ये वो फलाना टिकाना फिर उसके बाद क्या हुआ कि ताऊ जी को फोन किया गया ग्वालियर में तो तानु भैया तान्या ने पूछा कि हेमू कैसे लग गई चोट तुमको तो हर्षद बोलता है मम्मी ने सीटी मार दी तो मेरे सिर में लग गई तो ना कुकर सीटी मार दी और भाई वहां पे सब परेशान कि साला ऐसे कैसे हो सकता है कि चाची ने सीटी मारी और हेमू का सर फट गया <laughs> तो ये, ये कौन that's सी सुपर रियल पावर है ये कौन that's सी सुपर रियल some... पावर तो फिर जब बात आगे चली फिर मम्मी ने बताया कि अरे मैंने कुकर की सीटी मार दी और ऐसे ऐसे हो गया तो भाई साहब हम हमारा बचपन है ना बड़ा ट्रोमाटाइज रहा इस तरीके से मम्मी ने एक बार मेरे

थोड़ा थोड़ा दिव्यांश जैसे को तो गारंटेड पिटना चाहिए आजकल के लौंडे पिट नहीं रहे इसलिए हाथ से निकल रहे हैं बाबा ये कैसे बोल दिया आपने भाई यू एंड रेडी नाउ यू आर यू आर अबाउट टू गेट कुक्ड इन द कमेंट्स भाई नहीं <laughs> <ये> तो अपने पे क्या नहीं होगा जो पॉडकास्ट अप... करता वो फीफा नहीं खेल पा रहा ढंग <laughs> <laughs> से भाई कोई ना भाई नहीं बट बट लाइक जब मुग भाई ने बोला ना कि सीटी मार के सर फट गया सर फट गया कौन सी सुपर पावर है दिस ब्रिंग्स मी टू आर नेक्स्ट टॉपिक क्योंकि ऑब्वियसली ये पहला पॉडकास्ट एंड वी डोंट हैव सर पैर अभी इफ यू हैव टू चूज वन सुपर पावर फॉर योरसेल्फ कौन सी होगी मोग भाई के लिए तो ऑफकोर्स हमें पता है ढंका फीफा खेलना बट बाकी दोनों के लिए इफ यू हैव Uh

एंड्रोमेडा गैलेक्सी में देखूंगा क्या उसके अंदर भाई भाई मेरे को चाहिए इनविजिबिलिटी एंड्रो अच्छा ओ नाइस <laughs> तेरा तो पता ही था मुझे ओह व्हाट अ गोल यार व्हाट अ गोल भाई भाई सॉरी सॉरी ऑफ टॉपिक भाई क्या गोल मारा यार मुकेश भाई जैम भाई आई जस्ट थॉट कि इफ व्हाट इफ आई मैं कहा यार What if I like सब busy अभी बात करने में What if I तेरी ज़िंदगी का मकसद तो पूरा हो गया भाई हाँ बिल्कुल मेरे को मिल गई मेरी super power पर ठीक है दिव्यांश तू क्या रहता है invisibility नहीं इसके बस इन, इतना ही बता पाऊँगा मैं इसमें <laughs> <laughs> इसका तो user user नहीं बता पाऊँगा भाई मैं भी इन तो सोच रहा हूँ यार ये user तो देख तेरी काफी pretty clear है मोग भाई what would be your super power यार मेरा मेरा बाबा ने चुरा लिया माइंड रीडिंग मुझे मैं तो ना टेलीपोर्टेशन कर... ले लिया नहीं मुझे आ, ना मुझे मुझे माइंड रीडिंग करनी है आई थिंक टेलीपोर्टेशन से बाप नहीं है कोई 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 सुपर पावर मतलब वो फ्लाइट स्ट्रेंथ मतलब फ्लाइट का तू क्या करेगा जब तेरे पास टेलीपोर्टेशन है तो यूजलेस हो गई वो पावर

और तो ऐसी जगह पहुंच गए तो फंस गए भाई सोचो <laughs> हिमालय की चोटी पे किस दिन आप, आप सोच रहे हो माउंट एवरेस्ट की टॉप पे पहुंच जाते हैं यार फॉर द फन ऑफ इट एंड वहां पहुंच के टेलीपोर्टेशन की <laughs> और वहां पहुंच गए जींस टी शर्ट में ठीक है खत्म दैट वुड दैट हाँ वो ये बट दिस वर्ल्ड बी अ कॉन फिर भी अगर कौन होगा क्या इसका

अच्छा मुझे लगा मास्क आई गिव माई सेल्फ पावर टू मेक अ गुड फीफ दैट आई वु सेल्फ अ पावर टू सब्सिट्यूट वन ऑफ पॉइंट ऑफ मुक्तेश आई मीन ओके बोल के खुद ही हंस दिया धीरे से

भाई इन्होंने तो हो गया ना अब तो जबरदस्ती इतना खींच दिया कि कुछ फायदा नहीं भाई एक अच्छे जो की बात हो ही वही होती है कि उसको कब बंद करना है ओ वो कौन सा एक ऐसे कोई कोट भी था ना स्टेज अ गुड डांसर व्हेन टू गेट ऑफ दू इधर हीरो और यू लॉन्ग 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 अब लॉन्ग ले गया टग <laughs> गया यू इधर डाई एज़ हीरो या फिर आप ज्यादा जिंदा रह के विलन बन जाओगे <laughs> <laughs> दिव्यांश इंटेंट के नंबर है बैटमैन बैटमैन इंटेंट के नंबर है भाई तेरे को भाई दैट वाज माय वेंजेंस वेंजेंस बोल दे वेंजेंस व्हाट इज दिव्यांश वेंजेंस का मतलब क्या होता है

applicable in so many scenarios. Huh? But boys, WWE basically is about vengeance. Re-establish re हो रहा है अपनी जो loss champ थी hmm. Hmm.

क्योंकि अब रोमन रेंस और उसकी सेथर की हिस्ट्री रही है और वो शील्ड से ही उनकी आइडेंटिटी बनी थी तो जिस तरीके से वर्ल्ड प्ले हो रहा है ना रॉक के एंड से मुझे लग रहा है ना ये साइड स्विच हो जाएंगी पता नहीं क्यों रेसल इवेंट पे बट मेरे को लग रहा है कि आई थिंकोड्स मतलब आई थिंक सेतरोलिन का ही टर्न बेकार हो जाएगा आई थिंक वो होना नहीं चाहिए बिकॉज मेरा तो यही मानना है कि लाइक like, अगर आप हील टर्न करवाते हो देट मीन्स कोडी रोड वो जीतेगा नहीं और फिर रॉक का हील मतलब अगेन आपको अगर किसी का हील टर्न और किसी का कुछ टर्न करवाना ऑब्वियसली सेतरो समय फेस है उसका हील टर्न ज्यादा बड़ा मतलब शॉकिंग फैक्ट होगा या फिर द रॉक का रोमन रेंज पे टर्न करना ज्यादा बड़ा फैक्ट होगा आई थिंक विल गो फॉर रोमन रेंज और रॉक की फ्यूड के साथ क्योंकि उनको पता है कि कोडी रोड्स की स्टोरी पूरी हो जाएगी और समर स्लैम में उनको एक मैच मिल जाएगा सेथ रॉलिंस अगर करेगा तो वो शॉकिंग होगा क्योंकि अगेन वो काफी पॉपुलर है और उसका फेस वगैरह है बट मेरे को उसके अलावा कुछ और चीज दिखती नहीं है लाइक अभी मेरे ख्याल में अब टाइम आ गया भाई मतलब रोमन रेंस से मूव करने का अगर ये अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़वा सकते हैं तो फिर रोमन रेंस इज नॉट मतलब अंडरटेकर लेवल बोलो आप अगर रेसलर अरे कोई बीकेएल ही होगा जो ये भी नहीं मार सकता बोल <laughs> भाई ऐ मैं तो मैं मैं भी मैंने सोचा था जब सीएम पंक आएगा आया था मैं सोचा आई वुड बी बैक इनटू बी बट मेरा कोई नहीं पाया लाइक आई नहीं अब तो इंजर्ड भी तो हो गया उसकी मैं वैसे भी नहीं कर पाया मैं मैं वैसे भी नहीं कर पाया लाइक

बहुत सालों तक लोगों को यही नहीं लगता हाँ। था कि ये कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है तो अब तो सब कुछ ओपन हो गया है, तो अब ये नया यार जनरेशन है नया आ रहा है तो उसमें तो ये सब चीजें होंगी तो आप इसको मूवी की तरह ही देखो ना आप क्यों इसको वो देख रहे हो ये एक्टर है और ये मूवी में काम कर रहे हैं पहले ये पहले सोशल मीडिया ने मतलब जो हाइप थी ना डब्लू की वो किल की है हा अब है फेवर में वो कह रहा हूं मैं कि जैसे पहले एक वो रहती थी ना एक्साइटमेंट रहती थी अब क्या आपको अपडेट मिल जाती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है

मेरे को आज भी याद है मेरे पिता लाइक टाइम पता नहीं होता था मैं बहुत छोटा था सात आठ साल नौ साल मेरे को याद है अंडरटेकर का रिटर्न हुआ था वो मेरा तो हमारे घर में आस्था चैनल पे रात को पौने बारह था हमारे घर में तो वो नंदू के भजन बहुत सुनते थे आस्था पे आता था ऐसे और उसके बाद मेरे को पता नहीं एक बार ऐसा हो गया कि फिर मैं ऐसी चैनल करने लगा तो रात के एक बजे स्पोर्ट्स पे डब्ल्यू आ रही है

कोण को वगैरह वगैरह के बाद बट द थिंग इज कि ये भी काफी लोग पूछते हैं कि इज इट कि ये चीजें जैसे फॉर एग्जांपल मार्वल ये क्या कहते हैं WWE ये चीजें चाइल्ड ओरिएंटेड हो गई या फिर हम लोग बड़े हो गए यार आई थिंक नहीं देख बात बात क्या है ना जो एक ग्रिटिनस थी ना WWE की वो हुँ. तो खत्म कर दी पीजीआर ने भाई तुम लोगों ने एटीट्यूड एरर नहीं देखा है यार अरे भाई कुछ भी चलता था भाई कुछ भी मतलब चल के प्रोमोस देख लो भाई <laughs> भाई मैचेस देखो प्रोमोस देखो कुछ भी चल रहा है कुछ भी कर रहे हैं कुछ भी बोल रहे हैं पीजी एरा में क्या हुआ ना एक तो ये सब कुछ गुड़ी गुडी दिखाने के चक्कर में ना इन्होंने जॉन सीना की पोटेंशियल वेस्ट कर दी एज अ परफॉर्मर मैं सही बात टर्न नहीं हुआ कभी उसका हिल टर्न नहीं हुआ उसको हमेशा एज अ सुपर हीरो दिखाया अगेंस्ट दी ऑर्ड्स लड़ रहा है जो ठीक है ना और हमेशा जीत जाएगा सब गुडी गुडी हो जाएगा और वही मतलब एक वो ठीक है उनकी स्ट्रेटजी वो थी बट भाई स्टोन कोल्ड पहले अच्छा होता था फिर हील हो जाता था रॉक हील हो रहा है अच्छा हो रहा है हील हो रहा है अच्छा हो रहा है ये ये सब चलता रहता था तो मजा आता था, था देखने में भाई उस उसमें आप अंडरटेकर का सुपर नेचुरल एलिमेंट डाल दो फिर भाई कर अभी लोगों को रैंडी भी काफी पसंद आता है हाँ क्योंकि रैंडी वर्टन के साथ तो था ये सीन हाँ। भाई हील्स बचे नहीं ना इसमें सीएम पंक हील था उसको भी फेस बना दिया था एंड में जाते जाते को भी फेस बना दिया था बीच में भटिस्टा को तो बहुत वो गुस्सा आया था जब वो मतलब उसका क्रिएटिव डिफरेंस हो गया था ना उसको बोला था यार मेरे को फेस क्यों बना रहे हो आई एम हील तो वो वो सब बहुत किया डब्ल्यू ने मतलब और वो जो हील होते थे वो जीतते ही नहीं थे रैंडी ऑर्टन के अलावा कोई विंस ने खैर तो आखिरी तो तो में आते च्छु आते खराब कर लिया था अपना पूरा वो टाइम जो था विंस तो भाई बट यार उनकी भी क्या गलती है वो बेचारे कितने टाइम तक ही विंस की तो कैन रन इट क्या ही विंस की तो क्या ही बात करें खैर पर आई <laughs> थिंक अब अब वो ट्रिपल एच बन गया ना वो क्रिएटिव हेड पूरा उनका तो अब सही सही भी हो रही है डब्ल्यू डब्ल्यू मजा भी आ रहा है अब देखने में मैं तो खैर अभी सिर्फ प्रोमोज देख लेता हूँ मैं उस पर जो ये टी एन टी पे डाल देते ना इंस्टाग्राम पे ये भाई मैं तो चाह रहा था हॉलीवुड रॉक वापस आए यार अरे मजा ही आ, आ जाता भाई ये बट नेशन ऑफ डोमिनेशन टाइप का रॉक आया आया इस बार जो जो ना ना हील हील रॉक ये नेशन ऑफ़ डोमिनेशन वाला मेरे को चाहिए हॉलीवुड रॉक आया आया वो जो 2003 में था फ्यूड है बड़ा हरिकेन की तो उसने प्रोमोस बड़े बढ़िया उसके हरिकेन के साथ देखो सबकॉन्शियस हुआ भाई, फैंस <laughs> एलीपोर्टेशन नहीं दे रहे तो कुछ भी कर लेगा देखो अरे, अरे असल मैं मुझे पता चला कि मैं की पोजीशन पे अपना राइट विंगर खिलाफ की छूत नहीं नहीं देट डज नॉट मीन लग रहा है कि अगर तुझे लग रहा है हम तुझे माफ कर देंगे तो ये तेरी गलतफहमी है मेरे भाई बहुत बड़ी हवा में तुझे आई बात समझ में ओके बहुत है ओके <laughs> बट <laughs> okay, but... फिर ये गेम ये गेम तो पूरी करने दो एटलीस्ट हां 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 चलो है ना वंडर लोंडे बोलेंगे गेम दिखा रहे हैं वो भी पूरी नहीं कर रहे हैं। नहीं दो दिखाए भाई क्या बात कर रहा है ओके okay. सेल so, भाई आई थिंक वी हैव टू बी इन टॉप 1% ऑफ प्रो क्लब प्लेयर्स इन इंडिया वो तो अंधों में काना राजा वाली बात है <laughs> भाई डिसेंट दी तो होंगे यार हम डिसेंट लेवल के तो हैं हम नहीं क्या अच्छा नहीं है भाई नहीं भाई। नहीं है भाई अपन डिसेंट बिल्कुल भाई। भाई। <laughs> मैं, मैं खेला हूं आईपीसीएल भाई नहीं अपन <laughs> मैं दो सीजन खेला हूं आईपीसीएल चरणजीत वगैरह के साथ पता नहीं वो भी उसमें थे कि नहीं थे भाई आईपीसीएल इतनी कॉम्पिटिटिव होती है कि उसमें कुछ बारह बारह टीमें होती हैं और दो उसमें लीग होती हैं रेलीगेशन प्रमोशन टाइप होता है उसमें तो मैं तो ऑब्वियसली सेकंड लीग में ही खेला था उसमें हम शायद एर्थ नाइन्थ आए थे बारह टीमों में <laughs> बारह टीमों में एर्थ आ, जिसमें हम अच्छा, अच्छा।, अच्छा। जिसमें डिसेंट प्लेयर्स थे मतलब ऐसा नहीं था खराब प्लेयर थे तो दिव्यांश बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव है भाई आइडिया नहीं है अपन को

ठीक है है तो उसको टाइम लगता अल्टीमेट प्रो क्लब्स की बात है तो उसमें देख, नेट कनेक्शन की बात है फिर आपके पास एक गैंग होना चाहिए भाई ग्रुप होना चाहिए भाई भाई है, है, भाई 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 ले ये आ, हर, आ, गेमिंग का है? भी जैसे गेम में अगर आप जैसे बात करोगे बट कम्युनिटी बहुत तगड़ी है इंडिया में बिकॉज इट्स लाइक एक्सेसिबल है फोन पे आप खेल सकते हो और आप

बड़ा फीफा इतनी बेकार हो चुकी है कि का एक, एक फोन में गेमिंग कर लेता है ना वो हाँ। फिर उतना उस उस पे नहीं होता किसी भी और उस पे। हाँ, किसी भी भी और और जस, जैसे आप तू एक्सबॉक्स वाले को बोलेगा ना तू पे खेल ले वो हाँ। खेल लेगा लेकिन उसे मजा नहीं आएगा एक्सबॉक्स वाले को और सेम वो ये पी एस वाले के साथ वो एक्सबॉक्स पे नहीं खेल सकता तो फोन में जैसे अब पैस जब नया नया लॉन्च हुआ था अब तो खैर उन्होंने अलग ही बिल्कुल ही कर दिया अब तो मैं खेलते ही नहीं हूँ पहले तो मैं बहुत खेलता था टूर्नामेंट्स वगैरह भी खेला हूँ तो फोन का भाई फन अलग है कसम से भाई फोन पे पहले फीफा थी कौन सी फीफा थी यार आई डोंट रिमेंबर आई थिंक आई थिंक इट वाज इट वाज फीफा 15 15 यार फीफा 15 फीफा 15 15 तगड़ा था फीफा दैट वाज द बेस्ट फीफा फॉर भाई दैट वाज दैट वाज पीक मोबाइल फोन फुटबॉल गेम आई डोंट थिंक यू से बेटर मोबाइल फोन के लिए कोई फुटबॉल गेम

गर बढ़िया बहुत बढ़िया नहीं, नहीं क्या है पैस का जो गेम प्ले था ना पैस का गेम प्ले बहुत बेटर था मतलब मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो पीएस वर्जन रहता है या मतलब पीसी वर्जन आप ये कह सकते हो कि PES की कम्युनिटी इसलिए बड़ी थी बिकॉज द फर्स्ट गेम फर्स्ट प्लेटफॉर्म जिसने एक्चुअली में कंसोल ये लाइक कंसोल गेमिंग के ऑल्टरनेटिव दिया था बट भाई पेस का गेम प्ले और का बहुत ही शानदार था बहुत बढ़िया बहुत ही टॉप नॉच मैं फिफ्टीन भी खेला है फीफा फिफ्टीन भी खेला है बट मुझे पेस बेटर लगा फिर फिर हो सकता आपने फीफा पेस आप जैसा से कह रहे हो आपने ज़्यादा खेल रखा तो हो सकता है यू कुड बी द जज ऑफ दैट ठीक है फेयर नफ बट स्टिल में मतलब टॉप थ्री गेम तो मेरे लिए डेफिनेटली वो तो है ही फीफा फिफ्टीन फॉर्मली अच्छा बाबा फेवरेट ना? फीफा वर्जन क्या है मतलब प्री फिफ्टीन इलेवन जब इन्होंने बिल्कुल

बट आई थिंक 14 वाज प्रीटी गुड 14 14 वाज प्रीटी गुड 14 तो वाज प्रीटी गुड मैंने 14 काफी बढ़िया थी 2018 तक खेला है इतना बेहतरीन था वो मैं मैं भी अपने दोस्तों के साथ इवन जब भी हम जाते थे काफी काफी तो लंबे टाइम तक मुंबई खेलते थे काउंटर स्ट्राइक में याद है हम ना सारे दोस्त स्कूल के थे एक कमरे में आके बैठ जाते थे 1.6 नहीं जीरो काउंट कंडीशन जीरो उसमें दो टीम बांट लेते थे क्या मजा आता था यार तो हॉस्टल में तो ये हमने भी किया है कॉलेज टाइम पे यार मतलब मैं, मैं शूटिंग गेम्स में काफी अच्छा था पता नहीं क्यों मतलब काफी ज्यादा अच्छा था क्योंकि मैं इतना कोई रेगुलर वगैरह नहीं खेलता था मतलब काफी अच्छा खेलता था डी डस्ट थाउजेंड डॉलर्स मैंने का उससे क्या कहते हैं खेला गो भी काफी खेला मैंने तो हमने सीएस भी ट्राई तो करा था भाई गोई बाबा सी गोई सी गोई में हम वो सब करते थे एड

बैग लेके देख देख तेरा पजामा फटा है फटा है बचा लो यार भाई ये गेम अगर हम जीत जाएंगे जीत गए तो तो व्हाट अ सक्सेसफुल फर्स्ट पॉडकास्ट यस अगर हम ये गेम जीत जाएंगे कम ऑन कम ऑन कम ऑन टू वन टू वी डिडंट विन द फर्स्ट गेम फर्स्ट गेम ड्रॉ हुई थी राइट अच्छा तो फिर तो दोनों ही ड्रॉ हो ना बट स्टिल एटलीस्ट हम हारे तो नहीं ना एंड एक